पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के कर्मचारियों पर एक बार फिर से छटनी की तलवार लटकी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 197 कम्युनिकेशंस हर साल होने वाले परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पर कई डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज की छुट्टी कर सकती है। आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने से पेटीएम क्राइसिस में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम के अलग अलग डिपार्टमेंट से एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पर लोगों को कंपनी से बाहर किया जा सकता है। फिलहाल ये नहीं पता चला है कि कितने लोगों की छटनी की जाएगी, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स के मैनेजर को ये कहा गया है कि टीम का साइज 20% तक कम कर दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छटनी का प्रोसेस 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था। पेटीएम के प्रवक्ता ने छटनी की खबर पर कहा है कि ये अप्रेजल का वक्त है और छटनी की संभावना है। उनका कहना है कि इसे छटनी का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी में एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होता है और पेटीएम में भी छटनी परफॉर्मेंस बेसिस के आधार पर ही होगी। हालांकि पेटीएम की तरफ से किसी भी तरह के नंबर्स की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा पेटीएम के एम्प्लॉयज के मुताबिक मैनेजमेंट ने फिर से रिस्ट्रक्चर करने को कहा है। इसके साथ ही टीम साइज कम करने के भी ऑर्डर्स दिए हैं। एक एक करके एचआर की तरफ से नौकरी जाने की जानकारी दी जा रही है। वहीं पेटीएम से उनकी यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। दूसरी तरफ पेटीएम ने अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस के प्रोसेस की पार्टनरशिप एसबीआई से कर ली है। पहले पेटीएम अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर डिपेंडेंट रहती थी, पर अब वहीं पीपीबीएल के डेडलाइन नजदीक आने के बाद पेटीएम की तरफ से ये एसबीआई के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर पार्टनरशिप की न्यूज सामने आ रही है। एनपीसीआई 15 मार्च तक पेटीएम के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइसेंस प्रोवाइडर को मंजूरी दे सकता है, जिसे आधिकारिक तौर पर 197 कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। चलिए अब जाते जाते आपको ये बताते हैं कि 15 मार्च के बाद पेटीएम की कौन सी सर्विस बंद होने वाली है। तो पहला है कि 15 मार्च के बाद यूजर पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अकाउंट, फास्टैग या फिर वॉलेट का टॉपअप नहीं करवा पाएंगे। ये सर्विस 15 मार्च के बाद बंद हो जाएगी। 15 मार्च के बाद यूजर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर किसी भी तरह की कोई पेमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे। यूजर्स को सैलरी या फिर कोई मनी बेनिफिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अगर मिल रहा है तो उन्हें ये बेनिफिट 15 मार्च के बाद नहीं मिलेगा। 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग में मौजूद बैलेंस को दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यूपीआई या आईएमपीएस के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में कोई भी पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इस तरीके की कल 15 मार्च है, पेटीएम के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बहुत सारी सर्विसेज पर रोक लगने वाली है। फास्टैग, यूपीआई सब इम्पैक्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी यूपीआई किसी दूसरे बैंक से अटैच है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप यूपीआई सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्टैग के लिए भी एनएचएआई ने बहुत सारे बैंक्स की लिस्ट को अपडेट किया था, उसमें भी आप अपने फास्टैग का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।